मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th में आपका केमिस्ट्री में आपका लेसन 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का पार्ट आपका 11। पार्ट 11 में आप लोगों को यह स्टडी करना है हेलो एरिन्स के निर्माण की सामान्य डिग्री यानी आपका जनरल मेथड फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका हेडिंग है जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स के निर्माण की समान विधियां, तो हेलो एरिन्स के निर्माण की समान विधियां में पहले हमारा स्टेप है, फर्स्ट है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण इसमें दो प्रकार से होता है, यह एक वह होता है एक प्रकाश के बिना होता है, एक प्रकाश की उपस्थिति में होता है। मतलब जब हमें हेलो एरिन्स का निर्माण करना होता है, एक को हम लोग यदि नाभिकीय हेलोजनीकरण होता है, नाभिकीय हेलोजनीकरण होता है उसमें हमें प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, और दूसरा होता है पार्श्व श्रृंखला वाली नाभ हेलोजनीकरण में, जिसमें आपका हेलोजन सीधा आपके से न जुड़कर एल्किल से जुड़ा होता है, वह एल्किल आपका बेंजीन के रिंग से जुड़ा होता है, पार्श्व श्रृंखला। इसको हम लोग प्राप्त करने के लिए प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, यह प्रक्रिया की प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस तरह से हम लोग हेलो एरिन्स का निर्माण करते हैं, इसमें आपका हेलोजनीकरण विधि द्वारा, हेलोजनीकरण विधि द्वारा सबसे पहले हम लोग आते हैं एरिन हैलाइड का निर्माण, और इस निर्माण में आपका क्या हेडिंग है नाभिकीय हेलोजनीकरण। मतलब नाभिकीय हेलोजनीकरण इसमें आपका हेलोजन अम्ल मतलब हेलोजन आपका सीधे किसमें जुड़ा होगा रिंग में जुड़ा होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर हेलोजन की कैमरे के ताप, कमरे के ताप आपका 25 से 30 सेंटीग्रेड पर अंधेरे में तथा हेलोजन वाहकों जैसे FeCl3 यानी फेरिक्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति अभिक्रिया द्वारा हेलो एरिन्स बनते हैं। मतलब हेलोजन अम्लो, मतलब हेलोजन अम्लो यानी दूषित अम्ल का कार्य करते हैं हेलोजन वाहक जैसे आपका FeCl3 यानी जो हेलोजन वाहक होते हैं यह लुईस अम्ल का कार्य करते हैं, यह लुईस अम्ल होते हैं या उत्प्रेरक कार्य करते हैं, जो आपका FeCl3 है ये हेलोजन वाहक लुईस अम्ल होते हैं, यह उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनका कार्य होता है जो हमारा हेलोजन है हेलोजन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास ले जाना, जब यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास ले जाते हैं तो वहां से हेलोजन जो होता है एरोमेटिक के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां से हमें हेलो एरिन का निर्माण करता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल आपका फर्स्ट है, यहाँ पे हमने लिया है बेंजीन प्लस सीएल टू और यहाँ पे आपका कैमरे का ताप है कितना 310-320 केल्विन यानी 25 से 30 सेंटीग्रेड, और यहाँ पे हेलोजन वाहक के रूप में कौन है FeCl3 फेरिक्लोराइड। अब इसके उपस्थिति में जब हमने क्या किया कराया तो जो यहाँ पे आपका हेलोजन होंगे क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन वाहक है क्या है लुईस अम्ल है, यह लुईस अम्ल का कार्य होता है कि इस हेलोजन को किसके पास ले जाएगा इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पास, जब यहाँ पे ले जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन का एक बॉन्ड टूटकर यहाँ से आपका सीएल क्या जाता है जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे सीएल क्या है माइनस, यहाँ से जब जुड़ जाता है यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है इसके सीएल यहाँ पे दो सीएल टू है एक सीएल टू इसके साथ
साथ जुड़ेगा तो आपका बन जाएगा क्या एलसीएल। इस तरह से यहाँ से हम लोग निर्माण कर लेते हैं किसका, हेलो बेंजीन यानी क्लोरो बेंजीन प्लस एलसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस क्लोरो बेंजीन। इस तरह से हम लोग नाम की हाइड्रोजनीकरण में इस तरह से हमने क्या किया प्राप्त किया। और दूसरा होता है आपका हाइड्रोजन अधिक प्रयोग करने पर, यदि हाइड्रोजन का अधिक प्रयोग करने पर हमें क्या मिलता है आर्थो तथा पैरा प्रतिस्थापित विपन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है, मतलब आर्थो व पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है। आर्थो व पैरा पे क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि आर्थो और पैरा पे का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। अगला पॉइंट है आपका जैसे देख रहे हैं एरिन एल्किलाइन का निर्माण, फास्फोरस श्रृंखला एल्युमिनीकरण, फास्फोरस श्रृंखला एल्युमिनीकरण करने का तात्पर्य है जो कि बेंजीन का वलय है, बेंजीन के वलय पे आपका एल्किल समूह उपस्थित हो और उस एल्किल समूह में क्या जुड़ा आपका हैलोजन जुड़ा। ठीक, एल्किल बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा हैलोजन वाहक AlCl3 या FeCl3 की अनुपस्थिति, यहाँ पे हैलोजन वाहक आपका नहीं होंगे किसमें आपके पास श्रृंखला हैलोजनीकरण में, ना कि हैलोजनीकरण में क्या था वहां पे हैलोजन वाहक की उपस्थिति थी, लेकिन इसमें क्या है हैलोजन वाहक की उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति है। हैलोजन वाहक के साथ गर्म करने पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एरिन एरिन हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या टॉलुइन है, अगर आपका बेंजीन के रिंग में एल्किल समूह यानी क्या जुड़ा है बेंजीन जुड़ा है, इस समय कौन सा विशेष नाम देते हैं टॉलुइन। टॉलुइन को यहाँ पे आपका CN2 है, यहाँ पे 383 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं यूवी अल्ट्रावायलेट यानी प्रकाश के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे यूवी यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम लोग बेंजीन उगलते हैं बेंजीन में क्लोरो बेंजीन क्या करते हैं गर्म करते हैं या प्रवाहित करते हैं तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता है, वहां से हमें आपका बेंजीन क्लोराइड प्लस एल्सीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या तो बेंजीन क्लोराइड को एक ही नाम दे सकते हैं हम लोग 1-क्लोरो-1-फिनाइल-मेथिल। इस तरह से हम लोग यहाँ पे हेलो एलिन्स का निर्माण की विधियाँ पढ़े, इसको आप लोग नोट को तैयार कर लेंगे और पिछले वीडियो में जैसा हमने अगर पिछले वीडियो में देखना है तो इस चैनल को आप क्या कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे। सो फार थैंक्स।